हाय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी आई है जॉइंट इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इसमें जो आप देख सकते हैं, अप्लीकेशन जो इसका स्टार्ट हो रहा है वो 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो लास्ट डेट है वो 2 फरवरी इसका जो लास्ट डेट है। आप देख सकते हैं, इसमें जो 7-8 दिन का आपको टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने का। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। इसमें हम बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 10+2 होना चाहिए, और वो जो होना चाहिए फिजिक्स और मैथ में आपका जो 10+2 होना चाहिए। इसमें जो मिनिमम आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। आगे हम इसकी बात करें इसकी एज की, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 22 साल होना चाहिए। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अगस्त 1998 से लेके 31 जुलाई 2002 तक आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें होना चाहिए। बात करें इसके हम सैलरी की, तो इसमें जो आपकी सैलरी दी जाएगी ज्वाइनिंग के टाइम, आपको 21,700 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। और ये जो पे लेवल आपका इसका 3 होगा, साथ में इसमें जो अदर अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंस आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक, आगे हम इससे बात करते हैं टोटल नंबर वैकेंसी की। तो 2020 में जो वैकेंसी आई है, जो टोटल नंबर वैकेंसी आप देख सकते हैं, आप 260 वैकेंसी आई हुई हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो इसमें जनरल की 103 वैकेंसी हैं और EWS की 26 हैं, OBC की 75 हैं, ST की 13 हैं और SC की 33 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं। आगे हम बात करें इसके हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई का इसमें जो बता दिए हैं कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 26 जनवरी से स्टार्ट होगा और इसका जो लास्ट डेट होगा वो 2 फरवरी तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फरवरी तक ये चलेगा। ठीक, आगे अगर हम बात करें इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अप्लाई भी फॉर्म को कर सकते हैं। आगे हम बता दें आपको कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास पहले एक ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, साथ में इस पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तब इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके एग्जामिनेशन सेंटर की, तो पहला जो जोन है वो नॉर्थ जोन है। नॉर्थ जोन में आप देख सकते हैं जालंधर, देहरादून, जोधपुर, नोएडा और यहाँ पे अब मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे वाराणसी है। फिर अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट जोन की, तो इसमें गुवाहाटी, हल्दिया, कोलकाता है। बात करें ईस्ट जोन की, तो इसमें चेन्नई है, विशाखापट्टनम है। और वेस्ट जोन की बात करें तो भोपाल। इसमें सब जोन बांट दिया गया है, अब जोन के हिसाब से जो आपको नज़दीक हो आप उसको अपना एग्जामिनेशन सेंटर भर सकते हैं। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो इसमें पहले क्या होगा, आपका ऑनलाइन आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको वो रिटर्न टेस्ट कराएंगे। आपका रिटर्न टेस्ट जो होगा वो फरवरी से मार्च 2020 के बीच में आपका रिटर्न टेस्ट होगा। और इसमें जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसका जो सिलेबस है यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, जिसमें आपका मैथ आएगा, फिजिक्स आएगा, बेसिक केमिस्ट्री आएगी, जनरल नॉलेज आएगा, इंग्लिश आएगा अप टू 12th स्टैंडर्ड, फिर जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये आपका इसमें आएगा। अगर ये आप क्वालिफाई करते हैं रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका हो जाए फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आपका जो सेकेंड स्टेज होगा वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट का होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको क्या कराएंगे, ये 2 दिन में होगा लगभग, इसमें दिया गया है कि 2 दिन में कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, आपको 7 मिनट में, पहले देख सकते हैं 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर रन करना होगा, फिर 20 आपको उठक बैठक लगाना होगा और 10 इसमें पुशअप करना होगा। ये होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और सिलेक्शन हो जाएगा आपको। सिलेक्शन होने के बाद आपको पहले ट्रेनिंग में रखा जाएगा, ट्रेनिंग के बाद 1 साल बाद आपको कन्फर्म किया जाएगा। तो फॉर्म भरने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप आगे नोटिफिकेशन के लिए जॉब से रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।